हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव कुमार पटेल एंड वेलकम टू दिस साइंस क्लासेस ऑफ सुपर 30 मेडिकल। इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट सम फ्रेंडली नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी आल्सो स्टडीड सम एग्जांपल्स ऑफ इट। नाउ इन दिस वीडियो आल्सो वी शैल कंटिन्यू दैट टॉपिक, सो वी शैल स्टडी मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स हाउ कैन वी गेट सम मेडिसिन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम। सो वी कैन गेट टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These two topics are antibiotics and vaccines. So we can use microorganisms to get these two types of medicines, which are antibiotics and vaccines. Now we will study each of them in some detail. Now what is antibiotic? So antibiotic is a medicine which kills or stops the growth of any disease causing microorganism. मतलब antibiotic क्या चीज है, क्या medicine है? तो वो ऐसी दवा है जो कि किसी disease causing microorganisms को, यानी कि जिस microorganism से हमें disease हो रही है, जैसे bacteria, protozoa, fungi, उनको या तो kill कर दे, मार दे, या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, यानी कि वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए और उनकी संख्या उतनी ही रह जाए जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उन्हें मार सके। तो एंटीबायोटिक इज अ मेडिसिन विच किल्स और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Now, how is antibiotic made? So, antibiotic is made by culturing a specific type of microorganism. मतलब एक किसी particular type के microorganism को culture किया जाता है, मतलब grow कराया जाता है, और वो microorganism antibiotic secrete करता है, मतलब वो antibiotic बनाता है जो कि other disease causing microorganism को kill करने में या फिर उसकी growth को stop करने में हमारी help करता है। Now, some examples of antibiotic are, एंटीबायोटिक कुछ एग्जाम्पल है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का नाम आप सभी ने सुना होगा। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, these are some examples of antibiotics. Nowadays different type of antibiotics are also made synthetically, मतलब कि man made antibiotics भी कुछ आ गए हैं, बिना microorganism की help से भी कुछ antibiotics बनाए जा सकते हैं laboratories में या industries में। Now the topic comes, how antibiotic was discovered, antibiotic की खोज कैसे हुई, किसने की और कब की। So antibiotics were discovered by Alexander Fleming. Alexander Fleming was a scientist who discovered antibiotics in 1929. So Alexander Fleming discovered antibiotics in 1929 while performing an experiment. अब जो antibiotics की discovery हुई वो कोई pre-planned discovery नहीं थी कि वो antibiotic की खोज कर रहे थे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसी बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था, वो उसको कल्चर करा रहे थे और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वो जो कल्चर प्लेट थी जिस पर वो बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे, उस पर कुछ ग्रीन टाइप के फंजाई ग्रो कर रहे थे। तो जितनी दूर वो फंजाई ग्रो कर रहा था उतनी दूर वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। फिर जब उन्होंने नोटिस किया तो पता चला कि वो फंजाई उस बैक्टीरिया को मार भी चुका है। तो इससे उन्होंने उस पर कुछ रिसर्च किया और पता लगाया कि वो फंजाई कोई पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक सेक्रेट कर रहा है जिससे कि वो बैक्टीरिया किल हो जा रहा है और उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक की खोज हुई। उस मॉल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम।
पेनिसिलियम नोटेटम उस फंजाई के मोल्ड का नाम था। मोल्ड फंजाई की एक कैटेगरी होती है, तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक निकला। सो दिस इज हाउ एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। Nowadays, antibiotics are used to cure many diseases in humans. These antibiotics kill disease-causing microorganism, not the human cells. मतलब ये हमारी सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि जो disease-causing microorganisms होते हैं उनको kill कर देता है या फिर उनकी growth को stop कर देता है। Antibiotics bacteria या फिर fungi को kill कर सकते हैं, लेकिन ये वायरसेस के खिलाफ इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि वायरसेस आकार में बहुत छोटे होते हैं और उनका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया या फिर फंजाई से बिल्कुल अलग होता है। सो एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, मतलब जो डिजीजेस हमें वायरसेस से होती हैं उनको ये ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बैक्टीरिया या फिर फंजाई से होती है उनको ये पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अब एंटीबायोटिक्स लेने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से हमें लेने चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी रिएक्शन का खतरा ना रहे। दूसरा पॉइंट है कि जो भी एंटीबायोटिक हम लोग ले रहे हैं वो किसी डिजीज के लिए, वो हमें पूरी कोर्स लेनी चाहिए, बीच में दवा को रोकना नहीं चाहिए, जिससे कि हमें कोई खतरा ना रहे। थर्ड पॉइंट इज वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स इन प्रॉपर डोजेज, हाई डोजेज में लीड टू रिएक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स। फोर्थ पॉइंट इज एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरीली, मतलब एंटीबायोटिक्स को बिना जरूरत के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी से जो गुड बैक्टीरिया है जो हमारी डाइजेशन में या फिर अदर वर्क्स में हेल्प करते हैं उनको भी किल कर सकता है, तो इससे हमें परेशानी हो सकती है। सो दीज वर एंटीबायोटिक्स। नाउ वी शुड से अबाउट वैक्सीन्स। वैक्सीन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए पार्टिकुलर डिजीज, मतलब वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है, मतलब प्रोटेक्शन करता है किसी पार्टिकुलर डिजीज से। मतलब कि वैक्सीन खुद डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारता है, बल्कि यह हमारी बॉडी को उनके खिलाफ लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है। वैक्सीन्स आर गिवन टू हेल्दी पर्संस सो दैट दे कैन नॉट गेट दैट पार्टिकुलर डिजीज थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, मतलब वैक्सीन उन हेल्दी आदमियों को दिए जाते हैं जिनसे उनको वो पार्टिकुलर डिजीज पूरी जिंदगी में कभी ना हो। Nowadays, vaccines are prepared on a large scale to protect humans against diseases. Now, we'll see कि वैक्सीन में ऐसा क्या पाया जाता है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है, जिससे हमारी बॉडी उस पार्टिकुलर डिजीज से बच जाती है। तो वैक्सीन कंटेन्स सम डेड और वीकेंड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब वैक्सीन में उस डिजीज की जिसका ये वैक्सीन होता है, जिसका टीका होता है, उसी डिजीज के कुछ डेड या फिर अलाइव में वीकेंड होंगे, पूरे पावरफुल नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होंगे तो हमारे अंदर डिजीजेस पैदा कर सकते हैं। तो डेड या फिर वीकेंड बट अलाइव, मतलब कमजोर होंगे लेकिन जिंदा होंगे। तो इस प्रकार के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैक्सीन के अंदर डाले जाते हैं और ये वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। नाउ वी विल सी हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, वैक्सीन यानी टीका काम कैसे करता है हमारी बॉडी में जाने के बाद। तो अभी मैंने बताया कि डेड या फिर वीकेंड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैक्सीन में रहते हैं उस डिजीज के, तो जैसे ही वो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए आता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन के द्वारा आते हैं वो डेड होते हैं या फिर अलाइव होते हैं लेकिन कमजोर होते हैं, तो उनकी संख्या इतनी तो नहीं होती है कि वो हमारी बॉडी को डिजीज से ग्रसित कर सकें, लेकिन वो हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो उस समय तो एंटीबॉडीज उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में रह जाती हैं और वो हमारी इम्यून सिस्टम को याद रहता है, उसकी मेमोरी में रहता है कि इस एंटीबॉडी को कैसे बनाना है।
तो जब भी जो अगला इन्फेक्शन होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो इस प्रकार की एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हम उस डिजीज से बच जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से वैक्सीन वर्क करता है। नाउ वील सी एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की डिफिनेशन कई जगह पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन ओरली और बाय इंजेक्शन। मतलब वैक्सीन को देने की प्रोसेस को ही वैक्सीनेशन कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो ओरली और बाय इंजेक्शन, यही दो मेथड्स हैं वैक्सीन को देने के लिए। तो वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन ओरली और बाय इंजेक्शन। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है वो ओरली दी जाती है, या फिर डीपीटी की वैक्सीन इंजेक्शन से दी जाती है। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, पर्टियोसिस और टेटनस। तो डीपीटी की वैक्सीन हमें तीन डिजीजे से बचाती है, डिप्थीरिया, पर्टियोसिस और टेटनस से। वो इंजेक्शन से दी जाती है। तो वैक्सीनेशन ओरली भी हो सकता है या फिर इंजेक्शन से भी। अब जो बच्चे होते हैं, खासकर छोटे बच्चे, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग होता नहीं है, तो उनको टाइम टू टाइम प्रॉपर एजेस पे जो वैक्सीन होती हैं वो दिलवाते रहना चाहिए, जिससे उनको कोई भी डिजीज न हो। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्लान्स भी बनाए हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष है, उसको लॉन्च किया है ताकि बच्चों को प्रॉपर एजेस पर टीका मिलता रहे, वैक्सीन मिलता रहे और वो डिजीजेस से बचे रहे। अब कुछ डिजीज है जो कि बच्चों को प्रॉपर एजेस पर वैक्सीन देने से जिससे हम बच सकते हैं, जैसे कि कॉलरा है, टेटनस है, ट्यूबरक्लोसिस है जिसको टीबी भी कहा जाता है, टाइफाइड है, ऐसी बहुत सारी डिजीजेस है जैसे मीजल्स, मम्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एक्सेट्रा। ये सभी डिजीजेस बच्चों को अगर प्रॉपर एज पर इनकी वैक्सीन दी जाए तो इनसे बच्चे बच सकते हैं। बॉडी के अंदर उन डिजीजेस के खिलाफ फाइटिंग एबिलिटी मतलब लड़ने की शक्ति यानी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। मीन्स डेवलपिंग फाइटिंग कैपेबिलिटी अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। नाउ वी विल सी हु डिस्कवर्ड वैक्सीन एंड व्हेन वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड। सो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन का डिस्कवरी किया था इन 1798। एडवर्ड जेनर ने 1798 में वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। और सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की थी? स्मॉल पॉक्स के। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने 1798 में की थी, जो कि सबसे पहला वैक्सीन बना था। जब तक स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं बनी थी तो स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही बड़ी महामारी के रूप में फैल जाता था, पूरे गांव साफ हो जाते थे। लेकिन एडवर्ड जेनर ने एक स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार करके स्मॉल पॉक्स से पूरी दुनिया को बहुत हद तक छुटकारा दिलाया। अब हमारी कंट्री में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे वैक्सीन बंटवाए जाते हैं गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर पे। गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स पे बहुत सारे वैक्सीन बंटवाए जाते हैं। कुछ पार्टिकुलर डिजीजेस के वैक्सीन होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बंटवाए जाते हैं, मतलब कि फ्री में लोगों को दिए जाते हैं ताकि हमारी जो कंट्री है उन डिजीजेस से फ्री हो सके। जैसे कि ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो हमारी कंट्री में फ्री में बच्चों को दिलवाई जाती है ताकि हमारा कंट्री पोलियो मुक्त हो सके, जो कि काफी हद तक हो भी चुका है। और जो पोलियो का वैक्सीन होता है वो ओरली दिया जाता है छोटे बच्चों को, पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के कारण हमारा कंट्री बहुत ही हद तक पोलियो से मुक्त हो चुका है। सो दिस वॉज वैक्सीन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.